नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज़। के गाजियाबाद मुरादनगर में गृह कलेश के चलते महिला ने दो बच्चों सहित आग लगाई। महिला व उसकी बेटी की हुई मौत, बेटा बुरी तरह से झुलसा। यूपी के गाजियाबाद मुरादनगर कस्बे की प्रीत विहार कॉलोनी में गृह कलेश के चलते एक महिला दीपा उर्फ गुड्डी ने दो बच्चों के साथ आग लगा ली। तीनों को झुलसी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर महिला दीपा व उसकी 8 वर्षीय बेटी रीना की मौत हो गई, जबकि एक बेटा 5 वर्षीय ललित गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस मौके पर मामले की छानबीन कर रही है। घटना की सूचना पाकर सीओ सदर थाना प्रभारी मोदीनगर तहसीलदार के मजिस्ट्रेट अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे गाजियाबाद से सुनील शर्मा की खास रिपोर्ट। लगभग 3:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जिसमें एक महिला ने अपने दो बच्चों के साथ जो है परिजनों की गैर मौजूदगी में कमरे में जो है मिट्टी का तेल डाल के आग लगा ली। और मौके पे थाना प्रभारी मौके पे पहुंच के घटना को अटेंड किया। मौके पे मैंने भी घटनास्थल निरीक्षण किया, जिसमें ये प्रकरण संक्षिप्त रूप से सामने आ रहा कि महिला का कुछ अपने पति से पारिवारिक कुछ कलह हो गई थी, विवाद हो गया था, जिसमें ये 3:30 बजे उसमें इसके साथ ससुर भी मौके पे नहीं थे ऐसा बताया जा रहा है, पति भी कहीं काम से गया हुआ था। तो उस विवाद के चलते ही इसने घर के अंदर जो है कुंडी लगा के, और इसका इनका बेटा 5 साल का है ललित और छोटी बेटी थी रीना, उनके साथ इन्होंने मिट्टी का तेल डाल के जो है आग लगा दी। मौके पे ये गंभीर रूप से झुलस गई और रीना भी बच्ची भी गंभीर रूप से झुलस गई, तो मौके पे इन दोनों की मृत्यु हो गई। बेटा जो है वो झुलस गया, उसने तत्परता दिखाते हुए कुंडी खोल के वो मौके से वहाँ से निकल के भागा। सूचना मिलने पे तुरंत प्रभारी निरीक्षक के द्वारा घटना अटेंड की गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, बॉडी को जो है मोर्चरी भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम की पंचायतनामा भरवा दिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और उनके परिजनों को भी, मृतका के परिजनों को भी ये सूचना दे दी गई है। जिस प्रकार की जैसी भी तहरीर आती है, जो भी आती है, उसके आधार पे जो है इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही। घटना कैसे हुई है और उसके पीछे क्या कारण थे, ये प्रथम दृष्टया पारिवारिक विवाद सामने आ रहा और इसके पीछे क्या कारण है, इसकी भी जो है जांच की जाएगी और जैसा भी इसमें तहरीर मिलेगी या जो भी उनकी तरफ से कुछ कार्रवाई की मांग की जाएगी, पुलिस इसमें वैधानिक कार्रवाई।